Assalamu alaikum and welcome to another episode of Ball Nights with Ehsan Khan. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह हर एपिसोड की तरह. और आपको ये बताता चलूँ जनाब, ये जो Ball Nights with Ehsan Khan है इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है. वो फ़ायदा ये है कि बहुत प्यारे प्यारे सेलिब्रिटी से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप लोगों का फीडबैक मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है. जब फीडबैक की बात करता हूँ तो लोग बार बार मैसेजेस करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कि प्लीज़ हमारे फेवरेट एक्टर्स बुलाएं, और यकीनन वो हमारे भी फेवरेट होते हैं जनाब. हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनसे वही बातें की जाएं जो आप पूछना चाहते हैं. कैजुअल चिट चैट है और ये आपका मेरा हम सबका शो है. तो जनाब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के मेरे और आपके सबसे ज्यादा फेवरेट सेलिब्रिटी जो हैं वो कौन है. The handsome hunk of Pakistan showbiz industry, Michael Zulfiqar, लंदन में पैदा हुए और 8 साल की उम्र में पाकिस्तान शिफ्ट हुए जहां लाहौर से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की. मिकाल को भी बचपन से ही एक्टिंग और टीवी में आने का शौक था और अपने इसी शौक की वजह से मिकाल ने कॉलेज से फारिग होते ही एक ऑडिशन दिया और पहले ही ऑडिशन में कामयाब हो गए. इस ऑडिशन ने मिकाल को पहुँचा दिया पाकिस्तानी पॉप सिंगर अबरारुल हक की म्यूजिक वीडियो सनू तेरे नाल प्यार हो गया में. इसके बाद मिकाल जुल्फिकार ने एक्टिंग शुरू की. मिकाल जुल्फिकार ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काम किया और खूब दाद वसूल की. इनकी मशहूर बॉलीवुड मूवीज में बेबी, शूट ऑन साइड और यू आर माई जान शामिल हैं. मिकाल ने पाकिस्तानी मूवीज में भी काम किया. शेर दिल, ना बैंड ना बाराती शामिल हैं. तो जनाब इन्हीं का इंतजार था आपको. देखिए मैंने आपसे वादा किया था आपके फेवरेट एक्टर्स यहाँ पे आएंगे, तो बुलाते हैं सबसे पहले मिकाल जुल्फिकार. हेलो समरी, कैसा है यार? गुड, थैंक यू फॉर कमिंग मैन. माय प्लेजर यार. मतलब मुझे मैसेज कर करके लोग, आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, आई विल शो यू द मैसेज. हां मतलब मुझे वो होने लग पड़ा कि भाई इधर मेरी तरफ भी मेरी बात भी करो यार, मिकाल को बुला दें, मिकाल को बुलाएं. बट थैंक यू मैन, इट्स सो गुड टू हैव यू. सो गुड, प्लीज प्लीज हैव अ सीट. ऑलवेज अ प्लेजर. जनाब आपको ये बता सुनो, मिकाल इज लाइक अ ब्रदर टू मी. और मैं जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपके इस फील्ड में दोस्त कौन है, तो मैं सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ मिकाल का, बिकॉज इज अ वंडरफुल गाय. अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी कौन है. थोड़ी नटखट थोड़ी शरारती, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम. यमुना सैदी ने पाकिस्तान के शहर लाहौर के जमींदार के घर आँख खोली. हमना ने अपनी इब्तदाई तालीम अमरीका से हासिल की और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब इनको वापस लाहौर ले आया. यमुना ने अपने शोबिस करियर की शुरुआत एक आरजे के तौर पर की जहाँ रातों रात इनकी फैन फॉलोइंग बन गयी. यमुना ने रेडियो के बाद होस्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई और यहाँ भी इनके काम को खूब पसीराई मिली. यमुना ने अपने दोस्त के मशवरे पर ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम शुरू किया और अपने पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड अपने नाम किया और यही बनी यमुना सैदी के लिए मोटिवेशन. इसके बाद यमुना तो जैसे ड्रामा इंडस्ट्री की होकर रह गयी और जल्द ही प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट चॉइस बन गयी. यमुना सैदी ने बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का अवार्ड भी अपने नाम कर रखा है. सो प्लीज वेलकम द रेड राइडिंग हुड, यमुना सैदी. कैसी आप? सो गुड टू सी यू. थैंक यू सो मच. प्लीज तशरीफ रखें. थैंक यू सो मच. ये देखिए आपका बैग आपको मिल नहीं रहा था कि हमने छुपा के वहां रख दिया. हाँ ये नजर भी आ रहा है, रेड सोफे पे ब्लैक बैग. ओके वंडरफुल मिकाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ब्रो. और यमुना थैंक यू वेरी मच. यमुना तो आज मुझसे पूछ रही थी कि मैं गलती से रेड कपड़े पहन आई हूँ, कहीं मैं मर्ज ना हो जाऊँ, बट वो रेड राइडिंग हुड जो हम बचपन में पढ़ते ना, बिल्कुल उसका उसकी याद दिला रही है मुझे. ये कलर टोन वही है वैसे. कलर टोन वही है ना? कैमोफ्लेज तो नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, बस हुड नहीं पहना हुआ. हाँ, थोड़ा बहुत. अच्छा मैंने ना, मैंने इसको यमुना को ना कि मैंने तो काम भी किया हुआ इनके साथ, तो मैंने बहुत इसको याद नहीं आ रहा था. मैं बैक से पूछ रहा हूं. नो 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 नो, आर यू सीरियस? नहीं नहीं नहीं, यमुना ये क्या? अच्छा नहीं, नो देखो मैं करता हूं. आई स्वेयर मैंने पूछा, मैंने मुझे कहती है कि नहीं. तुमने इसके साथ काम किया है? अब एकदम से मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा मैंने किया है, तो वो यू नो थोड़ा कितने साल, 5 साल पुरानी बात है. आई वॉन एन अवार्ड फॉर दैट प्ले मौसम उस साल. तुझे भी उस साल अवार्ड. बाय द वे मैं आप सबको बता दूं, बिल्कुल ऐसे ने ठीक कहा कि मेरी और ऐसे की बहुत दोस्ती है.
और जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं एहसन को याद दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ कि हम दोस्त, कि बहुत अच्छा एक्टर है माशाल्लाह। और और जहाँ कोशिश होती है वहाँ लेग पुलिंग भी करते हैं। बल्कि ज्यादा मैं लेग पुलिंग करता हूँ। एक रिसेंट हमारा एयरपोर्ट का भी इंसिडेंट है, बट आई लीव इट एट दैट। अच्छा, मौसम एक प्ले यमुना मेरे साथ किया था। आई वॉन द अवार्ड। यू गॉट द बेस्ट न्यू कमर अवार्ड इन मौसम? नो, आई डिड नॉट। मुझे तो अभी आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है वैसे। सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए तो मिला है? नहीं, किसी के लिए नहीं मिला, बट मैं नॉमिनेट बहुत दफा हुई। देखिए मैं कितनी खुशी से बता रही हूँ बात। हाँ, चेहरे पे तो झूठ बोलोगी तो ऑन रिकॉर्ड है यार। But you know, I'm used to it. अच्छा, मिकाल को तो 15 साल बाद तक मैंने अवार्ड मिला था। अच्छा, बड़ी बड़ी मेरी बात, बड़ी मेहरबानी। ये बात मेरे ख्याल से इसलिए शुरू की गई है। नहीं, लेकिन इधर आने के लिए पहले मिल गया था। इधर आने के लिए तुझसे पहले मिल गया था। अच्छा, which play is you think मिकाल, जब अगर कोई पूछे के मैंने मिकाल तुम्हारा प्ले आज तक नहीं देखा और कोई प्ले मैंने देखना है, तो वो कौन सा प्ले है जो बोलोगे कि यार ये प्ले देख लो, योर बेस्ट फेवरेट प्ले? वो जरूर मैं एक ही प्ले बोलता हूँ, उसका नाम है दयारे दिल। Okay. Which was with Haseeb. Oh, Haseeb is a wonderful director. Yeah, yeah. It was because wo journey bhi aisi thi, usme Abid Ali sahab jo hain, he was my father, aur main aur Ali Rehman hote hain, two brothers, aur wo ek northern areas ki kahani hai, aur maine dekha hai, it's a wonderful play. And Haseeb being an amazing director, and it was an MD production, you know, jo bahut mehnat se apna kaam karte hain. I think Omera Ahmed ya Farhat, ab mujhe exactly yaad nahi aa raha, but it was one of the Farhat, I think it was one of our bigger writers, and it was such an, wo usually jab ek character aata hai na to scripts aati hain, to what I usually do, and I'll be honest, ke main shuru mein I start reading the whole story, and then towards maybe the 4th or 5th or 7th or 8th episode I start reading only my character. I kind of disassociate myself from दूसरों से, दूसरों का, हाँ, because I don't want to in a way waste my time, ke I don't need to know that. उधर ध्यान ना जाए अपने कैरेक्टर पे, मुझे फोकस अपने पे करना है, I don't need to know के बाकी कैरेक्टर्स, but that was the one play जो मैंने पूरा बैठ के पढ़ा, because it was so interesting. हालांकि I even die kind of halfway through, लेकिन मैं एंड तक पढ़ता गया, मैं प्ले में था भी। अच्छा प्ले था वो, but it was really well written. It was wonderful. Haseeb is a wonderful director. And I think no, that wasn't my first award, but I did get best actor for that. So lovely, very well deserved. और once again I will say कि हसीब, मैंने अलिफ अभी किया हसीब के again, साथ, there we go, हमजा, मैं, सज्जल, कुबरा, बिल्कुल, looks like, by the way I've also, I know of the story and wonderful, हाँ, happy for you and mashallah, I know, मुझे पहले ही पता है कि it's gonna be a huge success, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा यमुना, कौन सा ऐसा प्ले जिसको सोचो कि यार ये प्ले कि मैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए इसको रखूंगी कि ये मेरा अब तक का बेस्ट प्ले? अच्छा, मेरी प्रोफाइल में मुझे काफी सारे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जरा याद कर, मौसम, एक्ट्रेस बहुत बड़ी हैं, तुम क्या करें? नहीं नहीं, अब ऐसे भी नहीं है, डर सी जाती है सलाह, अभी रिसेंटली जो था इनकार, जो भी चल रहा है, ये रहा दिल, जुगनू, सो ये सारे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि वो मैं स्क्रिप्ट, चाहे वो बहुत सुपरहिट नहीं भी हुए या वो बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन तो थे, होते थे, लेकिन ये कि वो स्क्रिप्ट्स अच्छे थे, प्रोडक्ट जवाब दे, नहीं नहीं, सबकी तारीफ कर गई, नहीं मैंने तो 13 सीरियल्स किए। अच्छा, सब तो वो तो हमें भी सब ये अच्छे लगते हैं अपने, ये रहा दिल, ये रहा दिल, अच्छा, आई थिंक बोल सिराजुल हक ने किया था डायरेक्ट नेपाल में, हाँ, क्या, हाँ, रिप्लेस, हाँ, बोल बोल, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप को गेस्ट से सवाल से इतना नहीं करना आ रहा, तो ऐसा करें कि आप कर रहे हैं ना सवाल, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, अच्छा आप सेगमेंट की तरफ चलते हैं क्विकली। मिकाल जुल्फिकार बैठे हैं यहाँ पे और यमुना जैदी हैं। यमुना, हमेशा लोग ये सोचते हैं कि कोई सीरियस रोल आए, कोई रोने धोने वाला रोल आए और कोई बहुत मुश्किल रोल आए और मार वार पड़ी हो लड़की को तो यमुना को ले लो, क्या वजह है? बहुत मासूम लगती है उसको। मासूम भी है, लेकिन मैंने थोड़े से बबली कैरेक्टर और फनी कैरेक्टर्स भी किए, जो आई डोंट थिंक सो के एक जुगनू था जो कि फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया था, हम टेलीविजन के लिए था, वो बहुत अच्छा सीरियल था, और एक ये रहा दिल में भी जरा थोड़ा लाइट कॉमेडी रोमांस था, तो उस तरह के भी होते हैं ऑफर, अभी अभी अपकमिंग भी वैसा है, थोड़ा कॉमेडी सा है, तो या कॉमेडी का हमारे, लेकिन आपको पता ही है हम लोगों के सीरियल्स बनते ही सारे ऐसे हैं जो लड़की को मार पड़ी हो, चाहे चेहरा मासूम हो ना हो, पे हम तो बहुत, चाहे लड़की पे तरस आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन ऐसे हो रहा होता है नहीं। अच्छा, फैमिली में रिलेशनशिप कैसा है सबके साथ? एंड यू डिडंट वांट टू बिकम एन एक्टर, यू वर नॉट हियर टू बिकम एन एक्टर,
बट वन ऑफ योर फ्रेंड जो कि इस फील्ड से है उसने बहुत फोर्स किया तुम्हें आने के लिए. फैमिली के ये फैमिली मेरे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश है और फैमिली बड़ा फख्र महसूस करती है जब बाकी लोग तारीफ करते हैं. वैसे वो मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर ही ट्रीट करते हैं. ऐसा ही होना चाहिए. ऐसा ही होना चाहिए लेकिन कुछ ज्यादा ही क्योंकि मैं बहनों में भी छोटी हूँ. तो अभी तक यही होगा कि घर में जिसने भी गलती की है या जो भी गलत काम हुआ है वो यमुना ने किया होगा, इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी तो फिर वो आदत हो जाती है. अच्छा मिकल, माशाल्लाह यू हैव टू डॉटर्स राइट? आई डू. कैसा रिलेशनशिप है? Amazing, yaar. I mean, they're the apple of my eye. They're, you know, my whole heart. कितना time spend करता है यार उनके साथ? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा. I spend a lot of holiday time with them. और जितना मुझे मौका मिलता है, I take them abroad and you know they come and spend time with me wherever I am. So they're not वो कराची में नहीं होते. आप you come here for work? They were here for a while. Okay. They've been traveling too because we've been shifting as well. So you know they've been traveling here and there, but you know wherever they are because I travel a lot, so do, I get to see them a lot. Do you think it's one of the best thing to have kids? I think my life definitely changed when I have kids. I think the true essence of life is very simple, and it is just about you know doing whatever you can with your life, but it's just simply just I think reproducing and raising your young. It's totally I think that's a different life. Experience. That's it. अच्छा बच्चों को सुना है मैंने, सुलाता भी है मिकाल, लोरी भी कोई सुनाता है, बड़ी कोई स्पेशल कोई वो है लोरी जो बच्चों के साथ? I sing for them as well. Yeah, what is that? I like singing. What is that? It's just something something जो मेरी माँ भी मुझे सुनाती थी. Zippity doo-dah. You want to hear it? सुना दूँ तुझे? हाँ मैं कह रहा हूँ मुझे नींद नहीं आ रही तो सुना दे, शायद मैं ही सो जाऊँ इस बहाने से. चलो if they're listening, but this is something my mom used to do. My mom क्योंकि she is English, तो वो मुझे सुनाती थी, तो it's an English one. Zippity doo da, zippity a, my oh my, what a wonderful day! Plenty of sunshine heading my way. Zippity doo da, zippity a. ये तो very nice यार, ये तो गाता भी अच्छा है यार, अच्छा गा रहा है. इन्होंने बताया कि इन्हें गाना पसंद है. वो इसीलिए बच्चे सो जाते हैं, अच्छा गाता है, वरना बच्चे उठ के रो रहे थे क्या सुना रहा है अब्बा. और कोई मेरा गाना नहीं सुनता ना तो बच्चों को सुना. अच्छा ट्रू लव. नानी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था आपका, बहुत क्लोज. नानी के साथ, नानी आई लॉस्ट माई ग्रैंडमा लास्ट ईयर. और ये होता है कि असल में पता क्या होता है, जब हम लोग के पास हमारे सारे रिश्ते होते हैं तब हम फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं, चाहे माँ का हो, नानी का, बाप का. तो फिर जब वो चले जाते हैं ना, देन वी रियलाइज के उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या वेटेज था, उनके क्या हमारी वो कितनी मोहब्बत थी, शफकत थी. तो वो बड़ा मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. लेकिन ये कि यू नो That's life. Obviously. मुझे अच्छा लगता है वेस्टर्न, लेकिन ये कि वो ज्यादातर हमारे ड्रामाज में ऐसे होते हैं. अभी मैं पूछ रही थी अम्मी से कि अम्मी मैं क्या पहनूं शलवार की. अच्छा अभी भी अम्मी से पूछ के पहन के जाती हूं. हां सर, अम्मी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अम्मी से ज्यादा दोस्त हैं. तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी बताएं कुछ सजेस्ट करें. अम्मी का शलवार कमीज, अच्छा मैं आपसे बात नहीं कर रही अभी, मैंने कुछ और दिमाग में सोचा है. बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा, ये आपका बड़ा मॉडर्न सा है ना सारा सेटअप, और उसके हिसाब से. थैंक यू. अच्छा मुझे कभी स्कैंडल नहीं सुना, कभी सुना यमुना के बारे में भी? क्या क्या मतलब, कोई तो बोलते कि कोई पसंद है, कोई हीरो के साथ पेयर अप ज्यादा हो रहा है, इस हीरो के साथ ज्यादा आना पसंद है. हालांकि उसने तेरे साथ भी काम किया. अच्छा वैसे कंट्रोवर्सी जरूरी है? कंट्रोवर्सीज नॉट कंट्रोवर्सी या लुक लिसन, लाइकिंग समबडी और बीइंग विद समबडी मतलब ज्यादा इज नॉट considered controversy anymore, but at least I feel that liking someone or you know having a crush on so someone is very private actually. Ha, you don't want to, is it private? Are you sure? Aajkal to private. I completely agree. I've always been it's out of the field. It's your cousin, right? No, it's not. Just asking. Field mein bhi ho sakte hain bahut se crush bhi zahir si baat hai, hum insaan hain to you know aap kisi ko pasand kar sakte hain. Lekin mujhe aisa lagta hai ki crush bata do koi field mein jo kabhi hua ho.
कह तो रही है प्राइवेट मैटर है यार। हाँ भाई पर्सनल है, मैं अभी शो में बैठ के। अच्छा इसको ये डर है कि मैं इससे ना पूछूं, हालांकि मुझे पता है इसके दो तीन चीजें, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। अब वो डिफेंड कर रहे हैं कि ताकि मेरे मेरे तक आने तक। शुक्र ये कर रहा हूँ कि दो तीन पता है सिर्फ। नहीं मिकाल का तो मैंने वैसे ये बड़ा एक मुझे, मैं आपको बताऊं, ही इज वेरी लाइक ए लॉयल काइंड ऑफ गाय। अगर किसी के साथ होता है तो उसी लड़की के साथ रहता है। बस एक मैंने इसका एक ही जिंदगी में स्कैंडल सुना था, वो भी बचपन की इसकी बात है, ज़ारा शेख के साथ बहुत ज्यादा सुना था, बट दैट वाज लाइक एजेस बैक। और इतना तो होना भी चाहिए। जाहिर है यमुना एक दो तो इंसान हो। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये भी कोई बात नहीं। देखिए मिकाल चुप कर गया बिल्कुल। आपने देखे बहुत फौरन ने थोड़ा टाल बटोल में आप लोग बातें करें ना, नहीं मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं भाई। हाँ नहीं अच्छा नहीं नहीं है यार, हमने नहीं बोला मतलब ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ सही है जी जनाब, तो यहाँ लेते हैं ब्रेक, क्या कह रहा चाह रहा, और ब्रेक के बाद मिलते हैं एहसन खान और यमुना देवी के साथ। Are you guys friends? हाँ बहुत easy है, बड़े हम बहुत अच्छा। तो फिर मैंने मुझे आइडिया हो गया कि शो कुछ इसी टाइप का होगा। ये दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह। Yeah, so चलो good है यार, let's move on to the next segment, guys. Okay guys, आप लोगों का मेरा बहुत ही favorite जो segment है, आपके सामने ये नंबर्स चूज करेंगे और ऑब्वियसली एक को एक्टिंग करनी, दूसरे को गेस्ट करना, तो देखते हैं कि आज कौन ज्यादा बेहतर गेस्ट करते हैं और कौन ज्यादा बेहतर एक्टिंग करेंगे। तो पहले कौन जाएगा दोनों में से? मिकाल जाएगा। ओके मी फर्स्ट। ओके यमुना नंबर बताइए। व्हिच नंबर? 5। आसान है? इतना आसान भी नहीं है, पंजाबी नहीं अगर okay. लग रहा है पंजाबी okay. तो पंजाबी गाना है, मुहावरा है। अच्छा हाँ मुहावरा है। अच्छा ओके या हाँ मुहावरा यस यस ओके। चार फाइव में फाइव है ठीक है। पांच फाइव वर्ड्स हैं इसमें। आई कांट स्पीक राइट ऑब्वियसली। हाँ यू यू कांट स्पीक बट यू स्पीकिंग। पहला अकल, अकल दिमाग सर। हाँ ओके। दूसरा हाँ एक था अभी मेरी गलती होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान। सर मुंडवाया और ओले पड़ गए। अरे यार ब्रेक यार। ओके ओके बात ये है कि एक्ट अगले बंदे को पता भी होना चाहिए, लेकिन आपको पता है मुहावरे पते चले मेरी बारी में मैं एक्ट ही करती रहती हूँ। इसको नहीं पता इसकी उर्दू अच्छी है यमुना की ना, उर्दू अच्छी इसलिए। चले मेरी क्लियरली नहीं है। एट लग रहा है मिकाल बेचारे को किसी इम्तिहान में डाल दिया। छः ठीक है। सिक्स पहला दिल मैं ठीक है मैं हमारा अब मैं नहीं मैं और तुम मैं से थोड़ा एक मैं मेरे मेरे मेरी 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 ओके गुड यार शी इज गुड एट दिस। दूसरा दूसरा चौथा ठीक है मारना। हाँ हाँ किसी को मारना। ये एक मिनट ये क्या है, ये क्या किस चीज से मार रहा है वो? सोठी। हाँ बस सोठी डंडी। हाँ हाँ डंडी लकड़ी डंडी। हाँ अच्छा ये डंडी से डंडी का मेल कर लो, डंडी का मेल वर्जन कर लो। पहला मेरी चौथा डंडा छठा मारना मारा मारा। चौथा नहीं मैंने छह नहीं है पांच है लव्स। योर माइंड इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, समथिंग सीरियस इज रॉन्ग यू नो, समथिंग माइंड इज लाइक कहीं और काम कर रहा है। हां क्यों मारा, हालांकि मेरी मेरी डंडा मारना क्यों नहीं, जो 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 तुम सोच रही वो नहीं है। कौन सा नहीं है लेकिन हाउ डू आई डू द सेकंड वन, कोई गाना भी तो हो।
अच्छा चलो इट्स एन एनिमल, कोई लड़की की तरफ से गाली है, ये कोई जानवर है जिसकी बात कर रहे हैं, एनिमल है, एक एनिमल है, सो नेम सम एनिमल्स, मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है। अच्छा एनिमल का नाम बताओ। आई एम चल मेरे घोड़े समथिंग, चल मेरे, नहीं 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 मेरी मेरी है और डंडा भी है और क्यों और मारा भी है। ओके ओके हियर वी गो। ये गाय, हां गाय भैंस, हां मैंने गाना नहीं सुना हुआ, नहीं मेरी भैंस, चलाओ गाना, मेरी भैंस समथिंग डंडा समथिंग मारा, वैसे से पूछ दिया यार, मेरी मेरी भैंस, ये मेरी भैंस, ओके आई गिव अप ऑन टू, मैंने कभी नहीं सुना ये गाना। 7 ओ तेरी खैर, पहली लाइन भी गेस करोगे ना, ये गाना है, चलो ये बता, ये गाना है, ये ना इट्स अ सॉन्ग, ओके पाकिस्तानी गाना है, नहीं इंडियन है, अच्छा पहला 11वां 11 11 वर्ड्स का, ठीक है ओके, पहला मैं और तुम, हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम, सॉरी सॉरी, या हाँ हम तुम, सही है हम तुम, हाँ तीसरा एक, हाँ हम तुम एक कमरे में बंद, हाँ गुड यार, वेरी गुड, दैट वाज शी इज गुड, शी इज गुड, या शी इज वेरी गुड एट इट एक्चुअली, लेकिन मैंने भी ठीक एक्टिंग की यार, गुड ट्राई, नाउ योर टर्न, I'll let you choose the first number, whatever first? you want. Love song. No, no, no. Mahavra. Okay. Rona, Rona, Aansu, Aansu, Rona. ये तालियां क्यों बजा रही है यार? Aansu. क्या? Aansu, Rona. नहीं ये शकल दोबारा बनाओ, शकल दोबारा बनाओ, ये तो बनाई थी बहुत अच्छी. Rona. हाँ. Aansu. छोटा क्या आंसू सेकंड वर्ड आंसू इज फर्स्ट वर्ड नहीं नो आंसू आंसू इज सेकंड वर्ड सेकंड वर्ड ओके महावरा ठीक है ये बहुत ज्यादा पता चल रहा है ये क्या बन रही है यार मुझे महावरे आते नहीं इट्स एन एनिमल ओके कछुआ क्रोकोडाइल कछुआ आंसू क्या है यार हां क्या मगरमच्छ हां मगरमच्छ के आंसू हां ऑफ कोर्स मगरमच्छ के आंसू या बिल्कुल सही वेरी नाइस पता था आपको ये हां दैट वाज गुड एक्चुअली सॉरी गुड यार गुड ठीक है ओके सो मतलब नहीं पता लेकिन पता है हां ओके ग्रेट क्या होता है क्रोकोडाइल टेयर्स कहते हैं कि झूठे नकली आंसू झूठे आंसू क्यों मगरमच्छ के झूठ नकली होते हैं एक मुहावरा बनाओ के नकली आंसू वो रोता नहीं है बस वो पानी में लगा होता है ना तो लगता है कि रो रहा है ओके सो ओके 9 ओके यार ये तो ओके और यकीनन विकाल को इस गाने का पता होगा अच्छा और लेकिन शायद प्रेजेंट करे कि ना पता जस्ट लेट यू एक्ट अ बिट मोर हां या ओके ओके लिप्स हॉर्न ओह एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके एक दो तीन तीन लफ्ज थर्ड वर्ड फर्स्ट वर्ड बारिश भीगी कतरे भीगी 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 आंखों में भीगी भीगी रातें भीगी भीगी को मेल वर्जन कर दो भीगा हाँ और मिक्स कर दो सब भीगा समा ओके जस्ट कीप दिस भीगे भीगे पॉकेट अच्छा भीगे ओके भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा मैंने कहा था सुनाओ और भाई एंजॉय करके गाओ ओके ठीक है गुड ऑलराइट ओके 10 10 10 ओके समझ आ गई या ये क्या है महावरा सॉन्ग गाना सॉन्ग पीछे कल परसों कल लाइक नो नो इट्स एन ओल्ड सॉन्ग अच्छा पुराना गाना अब मैं आपको वर्ड्स बता दूंगा व्हाट जैकेट कोट सूट कपड़े अरे यार ओके बोल सकते हैं थोड़ा भी नहीं बोल सकते क्या बोलना है यानी कि आधा अंग्रेजी है आधा उर्दू ठीक है ओके ओके आधा सूट माय सूट नो नो सूट वूट नहीं है वो मैं गई थी वेस्टर्न ठीक है फाइन वेस्टर्न या
The guy was wearing a suit when he sang the song. Yeah. Okay. So. Wow. Was he the only guy ever who wore a suit? Okay. Very famous. Me. My. First word. My computer. My letter. Okay. मुश्किल है इसकी एक्टिंग मुश्किल है हाँ अच्छा ऐसा करते हैं कि उर्दू वाला पार्ट कर लेते हैं मैं सारे सब मैं दुनिया मैं दुनिया हाँ मैं सही है मैं दुनिया में अकेला मैं दुनिया में माय नेम इज यार व्हाई डिड आई गेट द टफ वर्ड्स नो आई थिंक मेरे टफ ज्यादा भीगे होंठ वाले डिसाइड और वो आपने सुना नहीं डिसाइड कर लो किसके टफ थे ये दोनों डिसाइड चलो तुम्हारे अच्छा मिकाल यमुना लोगों की राय कितनी मैटर करती है फैंस की जो प्यार करते हैं उनकी वो जब कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है उसका हाँ हाँ एब्सोल्युटली आई थिंक आई डोंट नो फॉर मी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट डज मैटर एक्टर इसलिए काम करता है व्हाट डू यू से करती है मैटर डेफिनेटली मैटर करता है लेकिन आजकल सोशल मीडिया है तो वो you know everyone has a free hand to I think you know write sahi fans ki ha agar fans agar aapke fans definitely matter karte hai aur main to baqaida I do reply to my fans kyunki wo itne acha acha feedback dete hain aur itna proper dete hain main sochti hu people do fans na bhi ho kuch log waise bhi bada genuine feedback kabhi kabhi dete hain ki aapka wo play dekha ye kiya wo ke aur I think anything you do I mean I think we're lucky being in the limelight ki hame log contact karke batate hain लेकिन नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ अगर आपको कोई सड़क पे रोके ये कहे कि यार इट्स अमेजिंग और आपकी वजह से मुझे खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली अच्छा हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में हमने रैंडम लोगों से बातें की आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत कुछ आप लोगों के बारे में कहा तो हम चल के वो देखते हैं कि क्या कहा है आप लोगों के बारे में आपके ख्याल में मिकाल ज़ुल्फ़िकार एक्टर अच्छे हैं या मॉडल एक्टर 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 आपको मिकाल ज़ुल्फ़िकार की इंडियन मूवीज पसंद आई या पाकिस्तानी 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 इंडियन ड्रामों में मिकाल ज़ुल्फ़िकार किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं मैं भी शायद मायरा खान मारिया वास्ती अगर मिकाल एक बार फिर बॉलीवुड का रुख करें तो इनको किस हीरोइन के साथ देखना पसंद करेंगे आलिया दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ तो ये एक मशवरा जो आप मिकाल ज़ुल्फ़िकार को देना चाहें पाकिस्तान में काम करें अच्छा है पाकिस्तान तरक्की करेगा ऐसी एक्टिंग करते रहें आप बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे आगे भी इंशाल्लाह वो एक्टिंग अच्छी करते सजाई रखें यमुना ज़ैदी आपको ड्रामों में पसंद है या टीवी कमर्शियल में अच्छी लगती हैं? ड्रामों में कमर्शियल में अच्छी यमुना हमेशा अच्छा मेकअप और ज्वेलरी पहनती हैं। आपके ख्याल में वो शॉपिंग कहाँ से करती होंगी नो आइडिया हाइपर स्टार दुबई से यमुना ज़ैदी के लिए कोई गाना डेडिकेट करें चुरा लिया है तुमने जो दिल को भोली सी सूरत तुम दिल की धड़कन में रहते हो यमुना ज़ैदी की पैदाइश की जगह गैस करें हॉस्पिटल ही हो सकता है लाहौर अमेरिका क्या यमुना ज़ैदी की तरह हमारी तमाम एक्ट्रेस को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए जी बिल्कुल जी होना चाहिए बिल्कुल ओके सो लाइक पीपल लव यू गाइस सो मच और इसी तरह जब हम बात करते हैं फैंस होते हैं मिकाल और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे बैशिंग करने वाले लोग भी बैठे होते हैं और इट्स ओके दैट समबडी डजंट लाइक वन एज एन एक्टर आप हर एक को तो प्लीज कर भी नहीं सकते बट जो लोग बैशिंग करते हैं डज इट अफेक्ट यू या इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स व्हाट पीपल पिक अप फॉर बैशिंग यू नो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा आई थिंक कभी किसी परफॉर्मेंस की वजह से तो बैशिंग नहीं मिली हाँ कोई इंडिया चले गए किसी के साथ काम कर लिया कुछ ऐसा बोल दिया उस वजह से यू नो आई थिंक वन हैज़ टू बी केयरफुल नाउ आई थिंक अब वो डे एंड एज यू नो यू हैव टू बी केयरफुल इन द सेंस कि पीपल कैन रिएक्ट एंड आई करते you, हैं लोग बड़े क्योंकि जब आप लोग आपको किसी को पसंद करते हैं ना यार तो फिर उसकी हर मूवमेंट के साथ वो सीरियस भी उसको आई काइंड ऑफ लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली आई मीन आई थिंक एक रिस्पांसिबिलिटी होती है आपके ऊपर व्हेन यू आर इन द पब्लिक आई टू आई थिंक बी सेंसिटिव अबाउट पीपल्स फीलिंग्स
यू नो बिल्कुल लोग अपनाते हैं और लुक अप टू करते हैं. एंड दैट्स वाई अगर उनकी नज़र में मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रॉन्ग मूव लेता है, यू नो जो बेशक हर बंदे को अपनी ज़िंदगी का हक है और जैसे वो जीना चाहे, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड आई पर्सनली आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी ऑल्दो आई हैव मेड मिस्टेक्स, हाँ आई हैव मेड मिस्टेक्स, लेकिन I don't think I've ever said anything. No, because misuse hui. Because there are certain people in the field, a lot of people who are just positive. So you both are. No, it's not just positive, but I'm actually conscious. जो लोग conscious of positive. I'm conscious हूँ about not saying the wrong thing के लोग affect हों. I think, you know, image wise, I'm careful about that. Wonderful. What do you say? यूँ ना ये जो लोगों की आजकल जैसे बोला कि social media में बहुत ज़्यादा लोग आपको अगर कोई चीजों को ना पसंद आए और कभी कभी रैंडमली भी ऐसे किसी कपड़े कहते देखे. भी है ना, सॉरी व्हाट आई वाज सॉरी टू इंटरप्ट, कहते भी है ना कि मौका ना दो. हाँ, मौका ना दो. अगर आप मौका देंगे लेकिन और लोग बोलेंगे तो. लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस यमुना ने यहाँ पे ये पैंट पहनी है या ये जैकेट पहनी है, किसी को नो डाउट आई मीन या किसी को कपड़े पर, तो पीपल एक्सट्रीम्स होते हैं आफ्टर योर लाइफ के ये क्यों कर लिया. बिकॉज़ आई टेल यू बिकॉज़ दे वो मुझे देखते हैं ड्रामा में जिसमें मैंने एक एक किरदार में अदा कर रही होती हूँ या मेरी और जो लाइफ है. अच्छा, अब ये भी हमारी हमारी इसका काम का हिस्सा है. और कपड़ा या कुछ भी, आप जो भी चीज़ करते हो आप उसको ओन करो. और मिकाल ने बिल्कुल सही बात की कि थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए. जो मुकाम हमें मिला है या जो हमें एक एक्टर बीइंग एन एक्टर, तो उसमें देखें उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे. तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दो कि लोग क्या सोचेंगे, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन आपकी अपनी राय हो, लेकिन केयरफुल तो रहें. और प्लस डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सॉरी आपकी अपनी वो क्या है, इंडिया की फिल्म का जान के पूछना चाह रहा था. नहीं, ये मैं बताना भी चाहूंगा. एंड इन अ वे मैं बड़ा इंडेटेड हूँ एसन को, और एसन भी मुझे होगा बिकॉज आई कम टू दैट कि मैंने बदले में भी नहीं बदले में नहीं ऐसी बात नहीं है. ऑब्वियसली बिकॉज मैं और एसन यू नो वी आर सिमिलर एज ग्रुप एंड मेरी एक्टिंग बहुत बेहतर है एसन से, वो अलग बात है. लेकिन बकवास कर रहे, झूठ बोल रहे, झूठ नहीं. मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली बहुत सारे चीजें होती हैं जो हमें आपस में बड़ी ऑफर होती हैं और हम दोनों से बात भी कर लेते हैं और बात भी करते हैं. आई थिंक दैट्स वन. Wow. हाँ, कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी ज्यादा इस वजह से है. और एक बहुत द फर्स्ट फिल्म आई एवर डिड उसका नाम था गॉडफादर, और वो ओरिजिनली आई थिंक एसन कर रहा था या फॉर सम रीजन ही डिडंट वांट टू डू इट या ही कुडंट डू इट, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस वर, बट ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार देयर इज दिस प्रोजेक्ट एंड आई कांट डू इट एंड आई हैव रिकमेंडेड यू फॉर इट, सो व्हाई डोंट यू डू इट. सो यू नो आई मीन एसन इन अ वे लॉन्च माई फिल्म करियर. और उस फिल्म से लेट मी टेल यू ये you know इससे मुझे बोला अभी कि इससे मुझे बोला कि इंडियन 2006 जो मैंने तुम्हें बताई थी, the one in which I worked with विनोद खन्ना, जिसने मुझे फिर उस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था. so if Ashton would have done that maybe he would have gone to that. so you know I was offered that film and I almost signed it, but after signing the film then you I didn't want to go there for a certain reason. there was a reason, I was getting married that year. और उसी महीने उसी अपनी शादी हो रही थी, तो मैंने वो फिल्म छोड़ी. और क्योंकि मिकाल से हमेशा एक अच्छी दोस्ती रही, तो मैंने उनको ये बोला एंड ही डिजर्व्स इट, नॉट दैट कि मैंने, कि मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मिकाल डिजर्व करता है. तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि आप इसको कास्ट करें. बट लेकिन एक बात बताऊं मिकाल, आई वांट टू से दिस, कि बड़ा कम लोग एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, कि ये मुझे हमेशा जब मिलता है तो मुझे कहता है तूने मेरा इंडियन फिल्म का करियर शुरू करवाया है और तू खुद नहीं गया. जो भी हमारे थ्रू इट डिड काइंड ऑफ लीड टू दैट, बट आई थिंक इट्स आल्सो योर पर्सनल लक एज वेल, द फेट. अच्छा, यू नो आफान ने बहुत रिकमेंड तुम्हें किया हर जगह और बोला कि ये काम करो. दोस्ती है पुरानी उससे? मेरी बड़ी बहन के फ्रेंड है, बहुत अच्छे कॉलेज मेट है. ओके, सो ही वाज द वन जिसने मुझे रिकमेंड किया. आई वाज इन क्लास 8. वो ATV के लिए एक सीरियल था. और मैं बहुत एंबैरस होती हूँ अभी भी. नहीं, बट यू वर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिफोर दैट, करती थी? यस, फॉर स्टाइल 360 देयर वाज दिस चैनल जहाँ पे मैं जाती गई ऑडिशन के लिए. मैं वैसे भी जाती थी, मुझे अच्छा लगता. और वो उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन क्लियर हो जाएगा.
खैर ये बात मैं बता चुकी हूँ okay. लेकिन मैं एक वहाँ एक और मजे की बात बताती हूँ कि वहाँ पे मैंने देखा एहसन खान खड़ा हुआ है और मैं इतना खुश हुई एंड आई वाज लाइक ओ वाओ ये एहसन खान ऐसे दिखते हैं और ये वो तो, और वो सीरियल शायद शुरू के सीरियल्स में से मौसम एक सीरियल हाँ, मेरा थर्ड या फोर्थ सीरियल हाँ, था हाँ, या, या। अच्छा तब नहीं बताया था कि वाओ मुझे देख के किया मेरे सामने ऐसे दुपट्टे लगे शरीफ लड़की बन के कि मुझे लगा यार ये तो बहुत छोटी बच्ची है इसको नहीं इसको क्या मतलब नो ये क्या मतलब बच्चों की तरह ट्रीट किया मैंने लेकिन खैर मुझे मुझे अच्छी असलियत जो है ना वो आ जाती हां आगे मुंह से निकल गई सारी लेकिन मैं बड़ा खुश हुई मैं वाह अच्छा मुड़ के देखो पीछे ये वो एंड यू वर वेरी कैजुअल और आप बात-बात कर रहे थे लाहौर के ऑफिस की बात है स्टाइल 360 चलो Lovely, yeah. We'll have to take a short break. जबरदस्त गपशप चल रही है मिकाल से और यमुना से छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं. Guys, और हमारे साथ हैं आपके मेरे हम सब के बहुत फेवरेट मिकाल जुल्फिकार एंड यमुना जैदी जो कि काम कर रहे हैं जबरदस्त और बहुत अच्छा काम करते हैं आपको नजर आते हैं डिफरेंट फिल्म्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स में और दोनों बहुत ऑफ देम आर ग्रेट एक्टर्स जनाब रैपिड फायर जो कि बड़ा एक जबरदस्त राउंड है आप लोग जो सवाल भेजते हैं तो वो सवाल इनसे किए जाते हैं रैपिड फायर में सो मैंने इस जितने सवाल जमा किए हैं मिकाल पहले यमुना के लिए ना अच्छा पहले यमुना पहले यमुना पहले मेरे पास वैसे पहले मिकाल का हां हम इसलिए कर लेते हैं जरा यमुना को आसानी हो जाएगी और दूसरी बात इट्स डिफिकल्ट लोगों ने जो पूछा मैंने वही वही मैं कह रही हूं कि लोगों ने जो पूछा है वो ज्यादा अनाउंस्ड फॉर यू गाइस सो पीपल हैव सेंट लॉट ऑफ क्वेश्चंस पहला सवाल ये है कि पूरा नाम क्या है मियां मिकाल पेत्रस अजीज जुल्फिकार जी हां बिल्कुल और जब मैं छोटा होता था आई यूज्ड टू ऐड मोहम्मद टू इट एज वेल ओके और मैं क्लास 1 का एक मजे का वाक्य सुनाता हूं कि स्कूल में जाते ना तो टीचर्स लाइक ओके बेटा स्टैंड अप एंड टेल मी योर नेम मैं खड़ा हुआ मियां मोहम्मद मिकाल पत्रस अजीज जुल्फिकार उनका ओके बैठ जाओ और कुछ नहीं पूछते ओके जबरदस्त है पहला बेटा था तो आई गेस माय पेरेंट्स वेंट ऑल आउट लवली फिटनेस फ्रीक कहते हैं लोग नहीं इतना भी नहीं लेकिन कोशिश करता हूं क्या यू वर्क आउट आई डू या आई वर्क आउट आई प्ले स्पोर्ट्स टू कीप फिट आई ट्राई नीड फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है यार अ कपल गोल्फ टेनिस ठीक है लवली फिटनेस टिप्स दे दो यार अपने फैंस पे ये उन्होंने पूछा हुआ गॉट टू ईट हेल्दी डाइट सबसे पहले यू नो डाइट अच्छी रखेंगे हेल्दी चीजें खाएं कार्ब्स बहुत ज्यादा नहीं खाने रोटियां चावल इस तरह की चीजें ऑल्दो हमारी डाइट उसी पे बेस्ड है तो बहुत खाता है यार शूट पे नहीं किया जाता टीवी बैठ के बोलो शूट पे फुल लगा होता है शूट पे नहीं किया जाता बट नाउ आई एम अ लॉट मोर कॉन्शियस देन आई यूज्ड टू बी सो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और डाइट अच्छी रखें और रूटीन अच्छी रखें ओके नेम द हॉलीवुड एक्ट्रेस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज हॉलीवुड एक्ट्रेस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज मेगन फॉक्स ओके लवली क्या ये सच है कि अभी तक कार्टून्स देखते हो बच्चों के साथ हाँ देखने पड़ते हैं कौन नहीं देखेगा बच्चे हर वक्त लगा के कार्टून्स रखेंगे तो देखना पड़ेगा तो देख लेता हूं मैं ओके सांप से बहुत डर लगता है नहीं वेल आई मीन छोटी मोटी चीजों से ब्रेव बन रहा है जरा फैंस लड़के डिसअपॉइंट ब्रेव मैन अभी यार कॉकरोच पता चले नहीं नहीं छोटी मोटी आई मीन ऑब्वियसली स्नेक्स एंड क्रीपरी क्रॉलीज बट ओके अगर कुछ वाकई कोई डेंजरस चीज है तो हां ऑब्वियसली नॉट अदरवाइज अच्छा मायरा खान या महविश हयात दोनों दे बोथ अमेजिंग यार चूज एक करनी Mavish. Why? Because Myra मेरे साथ काम नहीं करेगी क्यों पता नहीं मुझे लगा किया तो है किया शहरज़ाद ने किया वे हाँ हाँ तो वैसे ही मुझे लग रहा है अल्लाह ऐसा लग रहा है ये जान के बोल रहे ताकि मायरा को हम मैं मायरा को पहुंचाऊंगा ये हाँ। ये पहुंचा दे ये इसलिए से बोला है कि मायरा उसे कि वो मेरे साथ काम करेगी या नहीं नहीं तो क्यों ऐसा लगा निकाल सब बता दो नहीं क्यों लगा बता नहीं वैसे ही मैं कह रहा हूँ अच्छा वैसे थोड़ा तो अगर महविश भी ना करे फिर क्या करेगा चल तीसरी चूज कर लेना तू यमुना यू गाइस आर सो फनी कमाल है शो भाई जबरदस्त बहुत आला ओके पाकिस्तानी
इंडस्ट्री का सबसे दमदार एक्टर? दमदार यानी सबसे अच्छा एक्टर यार, अपनी एज ग्रुप में से या वैसे जनरली? हाँ, जनरली भी अपनी एज ग्रुप में से, जो भी। वेल, नुमान भाई का, आई मीन ही इज अ लेजेंड, नो डाउट, ऑफ कोर्स, नो डाउट। अपनी एज ग्रुप में अगर बात करूं, आई लाइक फवाद, आई थिंक फवाद इज अ गुड एक्टर। फहद मुस्तफा इज अ वेरी 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 गुड, यस, वेरी गुड एक्टर। एंड एहसन खान। ये बकवास। अच्छा, अब ये बात तो, ओवररेटेड एक्टर कोई लगता है कि ओवररेटेड? मेबी इट कुड बी नॉट इन पाकिस्तान, पुराने एक्टर्स में से या नए एक्टर्स में से या कहीं और भी, किसी और इंडस्ट्री में भी overrated वही होता है, I mean, लोगों को acting ability पे judge किया जाए rather than stardom, I think वो लोग overrated होते हैं थोड़े से, जो जिनका body work इतना strong नहीं होता, but the famous on Instagram या और actually performances जो हैं, लेकिन उनकी following बहुत आती थी, या people like them. Any example you have, buddy? No, I won't take names, but because I know I'll get trolled for it, so I don't want to do that. But I think you know what I'm talking about. वैसे आई डोंट नो ऑनेस्टली, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी दैट आई डोंट नो। वेल, देयर यू गो। ओके, किस फीमेल एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम स्टॉक करता है? किसका स्टॉक करता है? हां, ज्यादा सच सच बताइए। हां सच, ये बात सच होनी चाहिए। फीमेल बहुत सारी उनका करता हूं, आई लाइक, बट आई फॉलो मोस्ट ऑफ माय को-स्टार्स, लाइक स्टॉक एक किसी का कोई खास नहीं, आई मीन नॉट वन पर्टिकुलर वन, आई थिंक, आई मीन आई फॉलो अ लॉट ऑफ देम, मायरा हो गई, महविश हो गई, सबा हो गई, और यू नो इवन द सारा हु, सारा खान, नहीं, नॉट दैट मच, आई थिंक आई फॉलो हर, बट आई लाइक हर, आई थिंक शी इज वेरी ब्यूटी, आई जस्ट सेड इट बाय द वे। अर्मीना? हां यार, अर्मीना, ऑफ कोर्स, अर्मीना आई फॉलो, अर्मीना से तो एक्सपीरियंस भी काम का बड़ी जबरदस्त मूवी थी भाई, दोनों की, एग्जैक्टली, एंड अर्मीना इज वंडरफुल यार, शी इज, बट आई स्टॉक मोर, मैं रादर देन फीमेल अकाउंट आई स्टॉक मोर वो मेल अकाउंट, नहीं ये क्या बोला है शो में, मेल अकाउंट मोर ऑफ द ब्लॉग्स एंड उस तरह की जो चीजें होती हैं कि क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, ओके, वो ज्यादा स्टॉक करता हूं, ओके, लेकिन प्रिटेंड करता हूं कि आई डोंट रियली केयर, ओके, बट आई डू, ठीक है, बट आई डोंट, नो आई डोंट। जितने लोग आउट देयर हैं, जो बहुत ज्यादा आउट देयर हैं, वो पीआर कंपनी की वजह से उनमें अपना काम हाथ है उनका। अच्छा, बट मेरे पास अभी कुछ एक दो एक्टर्स थे जिन्होंने बोला, जैसे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, यू नेम नुमान एजाज एंड देन दे नेम सानिया सईद, दे नेम सवेरा नदीम, कि ये तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, बट दे ग्रेट एक्टर्स, सो डू यू थिंक के द स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट या इंस्टाग्राम? एब्सोल्युटली, आई थिंक द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव ऑन इंस्टाग्राम इज, इट मैटर्स, नो इट डजंट, इट डजंट, पैसे कमाने में फायदा तो देता ना यार, आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट थिंक सो, मैं भी बताता हूं कैसे फायदा देता है, हां देता है वैसे आजकल, नहीं, आई मीन थ्रू द प्लेटफॉर्म आपको फायदा देता होगा, लेकिन आई डोंट थिंक आपके योर नोन, if you're an actor to aapko apni ability pe milta hai, I think, bilkul sahi, ha bilkul sahi, but a lot of people get work because they have certain, no, that's something else, but that's something else, but I don't think it's a benchmark on anything, skill hona zyada zaruri hai, skill zyada theek hai jana, aage badhte hain, ye bata do ke wo kaun se actors hai jo muh na khole to bahut pyari lagti hai, ye zyadti ho jayegi yaar, to naam nahi lena, nahi kisi foreigner ka naam le de yaar, वो जो मेरी एड में जो लड़की थी, तेरी मेहरबानी वो असल में बेचारी ऐसी थी, नहीं, नहीं वो असल में तो जर्मन थी, उसको पता भी नहीं था कि क्या बोल रहा है, ओके, सही है, ये सच है ना कि आसिम रजा ने सबसे पहले टीवीसी में किसी में देखा था और फिर एक वीडियो में, नहीं, उसी का टीवीसी मैंने किया था और फिर मुझे अबरार की वीडियो मिली थी, कौन सा वीडियो, कौन सा गाना था, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, अबरार वाला, हाँ, ईमान के साथ वाला, हाँ, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ओ यस यस, अ वेरी नाइस वीडियो, उसमें डांस कर रहा है, बहुत ज्यादा डांस, अबरार हक का जो था, हाँ जी, उससे पहले कुछ चिप्स का एड शायद किया था, उससे पहले एक चाय का कमर्शियल किया था, जो आसिम के साथ ही, उसी से उसने डिस्कवर किया। टीवी कमर्शियल में ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, फिल्म में ज्यादा कमाए जाते हैं या टेलीविजन सीरियल में? लॉन्गर रन में आई थिंक टेलीविजन आपको ज्यादा पैसा देता है, बिकॉज इट्स मोर स्टेबल एंड मोर वर्क आउट देयर, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक इफ यू लुक एट इट ऑन टाइम स्केल तो कमर्शियल काम जो है आपको ज्यादा पैसा देता है। क्या ये सच है कि ऐ दिल मुश्किल फवाद से पहले तुम्हें ऑफर हुई थी? मैंने जरूर, आई थिंक जब अप्रोच किया जा रहा था, वी वर बोथ in talks with auditioned them. auditioned and were in talks with the company for it, yeah, okay, lovely,
But I did do the audition and we were in talks, but I wasn't very keen on it because I felt bahut choti appearance and I always feel जहाँ तक इंडिया की बात है पाकिस्तानी एक्टर्स को हमेशा साइडलाइन टाइप ही थोड़ा सा किया जाता है ऑल्दो हम ही कुछ उसमें से बना लेते हैं लेकिन यू नो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इंडिया पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ फेयर नहीं होता ओके वेरी नाइस ओके रेट देम एज एन एक्ट्रेसेस ऑल्दो दे ऑल आर वंडरफुल बट आई वांट टू नो व्हाट यू फील माया अली मायरा खान अरमीना राना खान हरीम फारूक एंड सबा कमर worst to last or last to first or it's your choice agreed of course they're all good I think undoubtedly and they'd obviously all agree Saba I think is okay, a phenomenal Saba. performer I actually think Myra is a good actor Myra. I like Myra mm-hmm. Myra's work Armina okay no Harim first okay Harim Harim yeah. then Armina and who is the other one Maya Maya's also not bad. It's a tough competition, you know. Very tough. They all are good. Basically. They're all good. I mean, it would be really tough and unfair कि किसी को आप हाँ ये बस ऐसे एक होता है कभी कभार आपके कोई personal favorite भी होते हैं like हाँ ये होते हैं but I think you know I mean out of the personal favorites I actually do like some of Maya's performances and Saba I think is phenomenal of course phenomenal. वो कौन सा actor जिसकी आवाज भारी नहीं है but वो भारी बनाता है कौन सा actor जिसकी आवाज भारी है अफान अफान की भारी है आवाज अब पता नहीं यमुना जानती नहीं अफान की तो भारी है आवाज भारी है हाँ वैसे हाँ। भी होती नहीं थी होती नहीं होती नहीं थी अच्छा होती नहीं थी हाँ, अच्छा या अब होगी या आई डोंट नो इट्स जस्ट अ नेम दैट पॉप्ड इन माय हेड बट आई लाइक अफान आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम हां हां ओ बल्कि या जाहिद अहमद नहीं अच्छा, जाहिद की तो जाहिद की है भारी नहीं मुझे लगता है जाहिद बनाता है थोड़ी सी अच्छा हां आई मीन ही इज ग्रेट ही इज वेरी गुड ही इज अ गुड एक्टर और उसने अपने आप को इमरान अशरफ नहीं इमरान भारी बनाता तो नहीं है नहीं कभी 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 बना भी लेता है वैसे अच्छा नहीं आई डोंट थिंक आई हैव नोटिस्ड इट कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मली हम जब बात करते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता नहीं लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक व्हेन आई एक्ट मैं थोड़ी सी भारी करने की कोशिश करता हूं आवाज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टर की एक्टिंग में एब्सोल्युटली ओके वंडरफुल यार जबरदस्त जवाब दिए मिकाल ने वेरी नाइस लवली ओके यमुना इट्स योर टर्न नाउ या इमरान अशरफ या मोहसिन अब्बास दोनों इक्वली बहुत अच्छे हैं मोहसिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इमरान के साथ काम किया एंड इज वंडरफुल सो या इमरान अशरफ नुमान एजाज या फैसल कुरैशी नुमान एजाज ओके रेट दीज एक्टर्स एजाज असलम अदनान सदीकी फैसल कुरैशी फहद मुस्तफा फैसल कुरैशी फहद मुस्तफा और इससे पहले क्या नाम लिया था आखिरी वाले से पहले अदनान अदनान नहीं फैसल कुरैशी अदनान सिद्दीकी और इजाज एंड फहद फहद मुस्तफा एंड इजाज असलम ओके नाउ चूज हु डू यू थिंक के तुम्हारे साथ सबसे अच्छा उसका पेयर बनता है अफान जाहिद या अहमद अहमद जाहिद इन तीनों के साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री होती है लेकिन वो होता है ना कुछ स्क्रिप्ट अच्छा कोई ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट आप किसी एक एक्टर के साथ कर लेते हो तो अहमद के साथ मैंने दोनों सीरियल्स जो किए वो दोनों बहुत पसंद भी किए गए अहमद जाहिद और अफान मोस्ट अंडरएस्टिमेटेड एक्टर मी Really? क्यों? Underrated कह सकते हैं, underestimated नहीं कह सकते। नहीं क्यों underrated? मतलब तुम्हें तो हमेशा अच्छे role offer होते हैं यार। And you work with good directors also? Yes. लेकिन वैसे जैसे, I mean, मुझे ऐसा लगता है, like as compared to अपने आप से भी खुश नहीं होता ना इंसान, है ना? Yeah, yeah, yeah. I think. Underestimated बस मिकाल नहीं जानता था तुम्हें ये बस मसला था नहीं नहीं मैं जानता था क्यों जानता था ऐसे बोला है बोला डिफेंसिव क्यों मैं तो वैसे ही बोल दिया यार मैं जानता था यार मैं तो वैसे ही बोल दी फौरन यार वैसे आप लोग साजिश है अच्छा क्यों अपने आप क्यों क्यों क्या मैं क्या चाहिए जिंदगी से क्या चाहिए यार मुझे ऐसा लगता है नहीं कोई कोई रोल छोड़नी चाहिए पुराने जमाने में किसी ने पूछा आपका कौन सा कैरेक्टर आपका ख्वाब अंधी लड़की नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे ऐसा लगता है मुझे बहरा गूंगा उसका कोई डायलॉग ना हो बैठो पाएज भी हो हिले भी नहीं
और ये सब कुछ ऑल इन वन बेस्ट. अच्छा और हर सीन में हो भले और मुंह टेढ़ा हो थोड़ा सा कैसे. अच्छा नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मुझे 7 साल हो गए 8 साल हो गए काम करते हुए और मैंने बड़ी जान मारी है एक्टिंग में और एक्टिंग की वजह से ही मुझे आगे काम भी मिला है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसते हैं तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट जर्नी इज अ लॉट बेटर. बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट. तो इस हिसाब से मैंने आपको बोला था. अच्छा आगे बढ़ते हैं. अच्छा अगर किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ पाकिस्तानी ड्रामे में काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? आयुष्मान. अच्छा ही इज अ वेरी गुड एक्टर. फिल्में उसकी सारी कॉपी होती हैं यू नो. लेकिन मैं अंधाधुन वाज आल्सो अंधाधुन वाज कॉपी बट उससे पहले. लेकिन मैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करने के बाद ये कंफर्म कह सकता हूं कि वो पाकिस्तानी ड्रामे में नहीं काम कर सकते. वजह क्योंकि वो इतने लंबे डायलॉग ही नहीं याद कर सकते जिस तरह हम कर सकते हैं. पूरा पूरा मोनोलॉग बोल जाते हैं और उन हालात में भी. और फिर जब मोनोलॉग का आखिरी जुमला बोला जा रहा होता है दोबारा करेंगे नहीं पीछे से रक्षा गुजर जाता है. मैं अक्षय के साथ कर रहा था. ये सही है दोबारा करेंगे. मैं अक्षय के साथ कर रहा था. अच्छा उसकी लाइन अगर है ना ठीक है मैं देख लूंगा. ठीक है ये लाइन है ठीक है मैं देखूँ. अब ठीक है उसने तुझे बोलना है और मैं देख लूँ इसको बोलना है. तो अब जब उसका क्लोज हो रहा है तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ. अब हमारी जगह पे ना प्लैकार्ड्स हैं यहाँ लिखा हुआ है ठीक है और यहाँ लिखा है मैं देख लूंगा. अब हर सीन चाहे वो यस होता या नो होता तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता रहा. फिर मैंने इनमें हमारा ऑब्वियसली हंसी मजाक का एक रीजन मैंने कहा यार तू पाकिस्तानी ड्रामा में तो नहीं काम कर सकता. इतनी लंबी लाइनें कौन कहाँ लिखेगा कहाँ और कौन पढ़ता ही रहेगा फिर. एग्जैक्टली बट यही करते हैं पीपल डोंट रियलाइज हम सुबह. बट ये रैपिड फायर उसका था. अच्छा मैं सॉरी यार. ओके कोई स्पेशल टैलेंट जो लोगों को नहीं पता? मैं मुझे गाना बहुत शौक है लेकिन नहीं लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो मैं जो हूँ पैसे से इकट्ठे करके आज जज करेंगे कि आवाज अच्छी है या नहीं है. एक लाइन चलो ना एक लाइन दिस नॉट फेयर. एक लाइन नहीं ये नहीं भी से गाना आपके साथ गा दो. चलो आप लोग गाना बताओ. कौन सा भाई आप लोग बताए ना. भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा. हो नाइस यार नाइस नाइस गुड. अच्छा पतंग बहुत अच्छी उड़ाती हो? या बनाती भी थी एक जमाने में. हां या आई वाज अ टॉम बॉय. या आई वाज अ टॉम बॉय एक टाइम पे. या अब तो होती नहीं है शायद बंद ही होगी पतंगबाजी. अच्छा मैं समझी आप कह रहे हैं. हाँ पर पाकिस्तान में पतंगबाजी तो बंद हो गई है. तो और कहा मतलब नहीं मैंने कहा कि आई वॉज अ टॉम बॉय एक टाइम पे तो आपने कहा अब तो होती नहीं है. मैंने कहा ये क्या हो गया ये क्या सवाल है अब तो टॉम बॉयज नहीं होती. पतंगबाजी क्या बोला था नहीं होती. अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम्स का शौक है? बिल्कुल. फेवरेट परफ्यूम YSL का मूनलाइट. अच्छा अपने साथ बैठे एक सेलिब्रिटी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हो? यस मिकाल इज वेरी काइंड वेरी वेरी नाइस. मुलाकात में यार वेरी नाइस गुड. क्या बात है यार थैंक यू. बिल्कुल ऐसा जैसा ये. अच्छा बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट अपने होस्ट को भी दे दो यार. एहसन इज वेरी पॉजिटिव. इज वेरी पॉजिटिव. लोगों से इतनी ज्यादा सुनी कि यार बड़े बहुत कम होता है कोई पीछे से आपकी तारीफ. थैंक यू बहुत शुक्रिया. अगर एक दिन सुबह आप उठे और मीरा बनी तो क्या करोगी? फिल्म कर लूंगी. बाजी फिल्म उन्होंने बड़ी अच्छी की है. ठीक है पहला काम क्या करोगी ये बताओ. पहला काम अंगड़ाई लूंगी. कैसे मतलब क्या नहीं वो बस वो मीरा स्टाइल ही होगा और वो डेफिनेटली शी इज अ डीवा एंड शी इज अ सुपरस्टार. क्या ये सच है कि ये चाहती थी कि शादी जल्दी जल्दी हो जाए? हाँ है या क्यों इस काम में आने से पहले फिर मुझे पता लगा अरे भाई जिंदगी भी है भाई अपने आप को. नहीं तो वो जिंदगी नहीं है शादी के बाद भी तो जिंदगी. हाँ डेफिनेटली बट ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो वाली जिंदगी तो शुरू होगी होगी definitely but ye wala part pe miss ho jata agar shaadi pehle hoti. Okay janab zabardast aur maze maze ki gupshup chal rahi hai Mikal se aur yumna se yahan pe lenge ek chota sa break. Hamare sath rahiye dekhte rahiye Bold Nights with Ehsan Khan.
गाइस वेलकम बैक एंड वी हैव योर फेवरेट मिकाल एंड योर फेवरेट यमुना. मिकाल कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है यार? मैं आई वांट टू टेल यू कि शेरदिल बहुत अच्छी मूवी थी और मुझे बड़ा मजा आया देखने में. और yep, also the couple, you and Armina, you guys look really nice together. Thank you. और मैंने सुना जहाज की कोई ट्रेनिंग भी ली उड़ाने की. मैंने यार बहुत सारा कुछ किया शेरदिल में, ऐसा जो मैं शायद जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस ना करता. Like what? Well, firstly, just playing that role is a childhood dream, यार, fighter pilot बनना. Of course. But I was very very lucky कि मैंने तीन चार मुख्तलिफ फ्लाइट्स ली थी for the purpose of the film, जिसमें शुरू में ट्रेनिंग जेट था और फिर आहिस्ता आहिस्ता we evolved into fighter jets. और द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैंने पूरा मिशन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, जिसमें मैं फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ द मिशन टू उसकी एग्जीक्यूशन, जिसमें हम तीन जेट्स पे टेक ऑफ हुए थे, एक JF-17 थंडर, एक मिराज और एक F-16. और ऊपर जाके चला तो वही रहे थे, आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द बैक सीट. लेकिन यू नो जस्ट फ्रॉम टेक ऑफ टू एक मिनट पे 30,000 फीट पे पहुँच जाना, टू द मनूवर्स दैट दे डिड, और बहुत सारे शॉट्स जो शेरदिल में हैं जिसमें जहाज स्पिन अराउंड कर रहे हैं और मेरे शॉर्ट्स इन द रेल, सो वो एक अमेजिंग थ्रिल था. मैंने चलाया भी, मैंने उड़ाया भी जहाज. मुल्क की वो बात आती है तो ऑल्दो you have your roots abroad also, but kyunki sara but I've always been yahan se mili to ek mulk has always been much closer to my heart, you know. I mean I may be half English but my heart is 100% Pakistani. Lovely, mashallah, wonderful. Yumna, kaun sa aisa project jis pe lagta hai ki ab aayega ye project to bas लोग कहेंगे वाह ये कैरेक्टर जो किया ना अमेजिंग. ओ अभी जो अभी आने वाला है, अभी जिस पे काम शुरू होगा फारूक रेन, हम टेलीविजन किए हैं, फारूक रेन डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत फनी है, लोग एंजॉय करेंगे, मैं ज्यादा रोऊंगी नहीं स्क्रीन क्या पे. नाम है प्ले का? अभी तो उसका वर्किंग टाइटल डिफरेंट है. इज इट लाइक द होल प्ले इज फनी? फारूक यूजुअली फनी करता तो नहीं. इट्स नॉट रियली फनी बट माय कैरेक्टर इज रियली लाइवली, कोई रोने धोने वाला नहीं है. फर्स्ट ड्रामा का टॉपिक किस चीज पे टॉपिक है वो प्ले का? वो तो सीरियस ही है ना फिर. okay. वो तो सीरियस okay. ही है बट मेरा कैरेक्टर उसमें बड़ा लाइवली है, काफी टाइम अच्छा, तक अभी चलेगा. जो किया है एक वो तो आई थिंक इमेजिनरी कैरेक्टर है ना जो हाँ वो जो जाहिद के साथ है. हाँ हाँ वो क्या है वो मैं बता दूंगी तो फिर लोग ड्रामा देखना बंद करेंगे. लेकिन अभी उसकी दो तीन एपिसोड गुजर गई है. हाँ वो इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि एक उसके साथ रहता है, स्प्लिट पर्सनालिटी जो कि जाहिद. स्प्लिट पर्सनालिटी है वो, असल में जाहिद के कैरेक्टर है. इट्स द गाय एंड ही थिंक्स It's you also, though yeah. personality. वो जाहिद ही है जो सोचता है, बात करता है. not... तो शक्ल आपकी, आवाज उसकी? उसमें मैं exist करती हूँ, मुझसे बस बात करता है, उसने एक बनाया हुआ imaginary character. Split personality disorders होते हैं, ये बड़ा एक टॉपिक है जबरदस्त किस्म का. ठीक है, वंडरफुल जनाब. जाते जाते दोनों, एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा यार दोनों का, मुझे बहुत मजा आया. मतलब अगर मुझे शो का टाइम खत्म ना हो रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं और बातें करता चल जाऊँ, गपशप होती है. हाँ ऑनेस्टली बड़ा मजा आया. बट वुड यू गाइस वांट टू से समथिंग टू योर फैंस मिकाल? यू नो जस्ट थैंक यू कि इतनी अरसे बर्दाश्त कर लिए एंड ऑल द टेरिबल एक्टिंग. और मैं एक चीज के लिए माफी मांगूंगा अपने फैंस से, मुझे रोने वाली एक्टिंग नहीं आती. जहाँ जहाँ मेरा रोने वाला सीन है प्लीज यू कैन चेंज द चैनल. नहीं हालांकि ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, थोड़ी शक्ल ख़राब करते लगता रो रहा. बट जब भी बोल नाइट्स विद एहसन खान लगता है, तमाम काम छोड़ें एंड बोल नाइट्स विद एहसन खान. वंडरफुल. और यमुना थोड़े से ना मतलब रोने धोने रोल कम कर दो और कुछ ऐसे रोल करो कि जो असल पर्सनालिटी वो भी नजर आया. यू आर वेरी चर्पी एंड यू आर वेरी हैप्पी. या आई एम अ क्लाउन एक्चुअली इन रियल लाइफ. मैं तो भाई घर में सबको हंसाती हूँ, मजाक करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं. लेकिन जो मेरा नेक्स्ट सीरियल है वो डेफिनेटली सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और मुझे प्यार और रिस्पेक्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया. और आप लोग के साथ बहुत मजा आया, आज मैं बहुत हंसी, मेरा बहुत किलो खून बढ़ गया. ओके वंडरफुल गाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब. आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ. मुझे इजाजत दीजिए, सी यू लेटर.